नमस्कार, आप देख रहे हैं माई भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की बलिदानी बदनाम ना होने देंगे। बची है रगों में जो एक भी बूंद लगू की, तब तक भारत माता की नीलामी ना होने देंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तक आपने मुझे कैमरे के सामने देखा है, लेकिन उन स्टाफ से आप नहीं मिल पाए हैं जो मेरे पीछे काम करते हैं, जो माई भारत के ऑफिस में काम करते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको माई भारत ऑफिस के, लखनऊ ऑफिस के स्टाफ मेंबरों से मिलवाने वाली हूँ। तो ये है माई भारत लखनऊ ऑफिस। तो आज मैं आपको माई भारत के लखनऊ ऑफिस के जो स्टाफ मेंबर हैं उनसे मिलवाने वाली हूँ। माई भारत के लखनऊ ऑफिस में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे ऑफिस बॉय सुनील कुमार जी से। क्या कहना है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। 15 अगस्त को सबको शुभकामनाएं। क्या बात है, शुभकामनाएं मिल चुकी हैं और हमारे पास कैमरा पर्सन मौजूद हैं। आपका क्या कहना है? नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है। माई भारत की टीम से और हमारी तरफ से 15 अगस्त को सबको शुभकामनाएं। ठीक है, अभी हमारे पास शुभकामनाएं हैं। और कई दफ़ा आपने मुझे कैमरे के सामने एंकर करते हुए देखा है, लेकिन हमारे एंकर करने के पीछे स्क्रिप्ट किसकी है उनसे मिलवाने जा रही हूँ मैं आपको। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कंटेंट राइटर अंकुश शर्मा जी। आपका क्या कहना है हमारे दर्शकों से? 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वतन के लिए दो लाइन। नज़ारे नज़र से ये कहने लगे, नयन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। तभी मेरे दिल ने आवाज़ दी, वतन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। इस 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मैं अंकुश शर्मा और मेरी पूरी माई भारत की टीम की ओर से आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, शायराना अंदाज में जो देशभक्ति निकली है उसके क्या कहने हैं। हमारे साथ मौजूद है कंटेंट राइटर सुमित शर्मा जी। आपका क्या कहना है हमारे दर्शकों से? 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं मिल रही हैं। और अब हमारे साथ मौजूद है वीडियो एडिटर साहिबा प्रांशी सक्सेना। आपका क्या कहना है? मेरी टीम की तरफ से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो अब हम अपने डायरेक्टर शोराम मौली के पास चलेंगे, जो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं उनकी भी बात सुनते हैं। तो आपका हमारे दर्शकों के से क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं इन दो पंक्तियों के साथ मैं कुछ कहना चाहूँगा हमारे देशवासियों के लिए कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। और हम बात करें अगर उत्तराखंड की, छत्तीसगढ़ की, दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या फिर देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में के 75 ज़िलों में माई भारत के जो संवाददाता हैं वो निष्पक्षता के साथ सक्रिय हैं। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सभी को मैं जितने भी हमारे संवाददाता हैं पूरे देश में उनकी तरफ से और माई भारत के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, आप सभी को इस पावन पर्व पर माई भारत परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद। क्या बात है, किस तरीके से पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने जो बात बोली है वो शायद दिल को छूने वाली है। और मुझे पता है कि आप लोगों के भी दिलों को ये लाइनें छू रही होंगी। तो अब हम चलते हैं अपने रिपोर्टर के पास दानिश खान, जिनका नाम है, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। तो आपका क्या कहना है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? मेरी और मेरी माई भारत की पूरी टीम्स की तरफ से समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है हमारे प्रोड्यूसर साहब हमीदुल इस्लाम की। आपका क्या कहना है हमारे दर्शकों से? मैं एक शेर के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, और मेरे लहू से मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। और एक देश के सभी भाइयों को एक शेर के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा और तुम्हारा एक ऐसा ईमान हो, मेरा और तुम्हारा एक ऐसा ईमान हो, एक तरफ गीता हो एक तरफ कुरान हो, और ऐसी हो मोहब्बत हमारे इस देश में, मेरा घर रोजा रखे जब तेरे घर रमजान हो। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। क्या बात है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम देख रहे हैं हमारे जितने भी स्टाफ हैं सबके अंदर शायराना अंदाज जाग चुके हैं, देशभक्ति जाग चुकी है, क्योंकि
स्वतंत्रता दिवस है ही एक ऐसा मौका जब सबके अंदर देशभक्ति की जो भावना होती है वो पूरे चरम पर होती है और लोगों को लगता है कि बस आज इस दिन को किसी भी तरीके से जश्न के साथ पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। और आप देख सकते हैं माय भारत का जो ऑफिस है वो कितना प्यारा डेकोरेटेड है, यहाँ पर पूरी तरीके से मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, पूरा तिरंगे के रंग में पूरी तरीके से रंग चुका है माय भारत का ऑफिस। और मेरे को तो आप रोज़ सुनते ही होंगे लेकिन फिर भी एक बार स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर माय भारत की पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।